वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए ब्रेकफास्ट है हम लोगों का, तो इसमें देखिए मैं ये रोटी बनाई हूँ, तो मोटी रोटी हम लोग बोलते हैं, मोटा रोटी जो भी बोल लीजिए, और मक्के की रोटी है ये, और पूरी सब्जी दही और अचार है। अचार में मैं चैनल में खुशबू रंजन और आपसे भी कुछ जय गुरु कहिए, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसा चल रहा है अभी का, सब लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट में। और अभी सबका कैसा चल रहा है, घर में सब लोगों को मजा आ रहा है? मुझे तो नहीं मजा आ रहा, मुझे तो बोरियत फील होती है और समझ में नहीं आता है क्या करूँ। और आज मैंने बालों में मेहंदी लगाया है, तो देख सकते हैं मेरे बाल कितने अच्छे हो रखे हैं, देखिए मेरे बाल। आप नहीं देखे बेटा जी? नहीं नहीं, अभी बाल मैंने अभी धुले हैं। हाँ अभी हो गया, कितने टाइम क्या हो रहा है, हाँ 4:15 बज रहा है अभी, मैंने 2:30 बजे बाल धुले थे, बाल मेरा लगभग सूख गया है। तो फिर मैं सोची थी कि चलो वीडियो भी स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने एक टब में पानी लिया है, उसमें नमक डाल दिया है। अब पानी अभी दोपहर का टाइम है, तो नल वाला पानी अभी गर्म है, तो ये गर्म पानी ही लिया है। और जो भी सब्जी अभी आया है बाहर से, यानी मार्केट से जो भी आया है, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो पहले मैंने देखिए लौकी और तरबूज उसको वॉश करके निकाल लिए हैं, और ये सब सब्जी को मैं अच्छे से वॉश करूँगी। और थोड़ा इसमें क्या है, जो अदरक है उसमें मिट्टी लगी हुई है, तो इस वजह से पानी थोड़ा गंदा हो गया है मेरा, तो पानी चेंज भी करूँगी, एक दो पानी से इसको साफ़ करूँगी और इसको थोड़ी देर छोड़ भी दूँगी। तो थोड़ी देर रखने के बाद मैंने देखिए मतलब अच्छे पानी से यानी धो लिया है, अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसे मैं बाहर ही रहने दूँगी, मैं शाम को या रात में फ्रिज में रखूँगी, मैं तुरंत फ्रिज में नहीं रखूँगी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो मेरा कल से कंटिन्यू है, और ये कल मैं थोड़ा सा बस शूट की थी, उसके बाद इसके ज़्यादा नहीं शूट कर पाई, और मैं आज बनाऊँगी। हाँ और तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30, यानी शाम का टाइम हो रहा है, और कल से ये मैंने कल थोड़ा सा शूट किया, आज दोपहर में बस सब्जी वब्जी आया वो सब मैंने साफ़ किया। और ये मैं ज़्यादा वीडियो लाइट का, हाँ अब सही है, मैं ज़्यादा आज नहीं मतलब कल भी नहीं शूट की, आज भी सुबह से आप लोग से बिल्कुल बातें नहीं की, ना वीडियो कोई शूट की। और अभी मुझे डिनर जल्दी बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, तो मैं डिनर जल्दी बना करके वो एक्चुअली खा के ही जाते हैं, लेकर के नहीं जाते हैं, पहले लेकर के जाते थे बट अब खा कर के ही जाते हैं, तो जल्दी से मैं बनाऊँगी तो फिर वो खाना खा के जाएंगे। तो मैं सभी परवल और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो चलिए आप उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई रख यानी तेल गरम किया, उसमें हमने पंचफोरन हींग डाल दिया है, और मैं अभी बना रही हूँ परवल आलू की सब्ज़ी, तो उसके लिए देखिए हमने परवल को डाल दिया है। परवल को अच्छे से मैं भून लूँगी, थोड़ा जब भून जाएगा थोड़ा सा रेडनेस आ जाएगा, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो ये देखिए रेडनेस आ गया, मैंने टमाटर डाल दिया है, उसके बाद थोड़ी सी नमक डालूँगी। नमक इसलिए डालूँगी टमाटर गल जाए और परवल में भी नमक अच्छे से चला जाए, बाद में डालने से परवल में नमक अच्छे से नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं नमक अभी डाल देती हूँ। और ये देखिए जो भी सब्ज़ी में मसाले में डालती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं क्या क्या मसाले डालती हूँ, और मैं बिना प्याज लहसुन का सब्ज़ी बनाती हूँ, तो वो सब मसालों को मैंने घोल करके रख लिया था। घोल करके रखने से क्या होता है कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है, और दूसरी बात क्या है कि सूखा मसाला डालिए तो आपको खांसी भी आने लगेगा, तो ऐसे डालने से क्या खांसी नहीं होता है, ऐसे मसाले डालिए तो थोड़ा सा मतलब उसका जो मसालों का जो रहता है ना वो लग जाता है, तो इस वजह से खांसी छींके सब आने लग, मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। तो और इसमें देखिए हमने आलू डाल दिया मसाला भूनने के बाद, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और कसूरी मेथी डाल दिया है। तो ये सबको मैं मतलब लगभग आधा आलू यानी मेरा आधा सब्जी पक गया, उसके बाद हमने थोड़े से पानी डाले हैं,
थोड़ी देर और पकाऊंगी। और उधर देखिए दूसरी साइड में रोटी भी बना रही हूँ, तो इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। जब ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद फिर मैं गैस बंद करूँगी, तो एक दो बार चला के देखूँगा। देखिए सब्जी मेरा बन गया है, बंद तो कब कर चुका था। उसके बाद मैं इसमें अब देखिए मैं खाना निकाल ले रही हूँ, तो मैं ज़्यादातर रात को रोटी ही बनाती हूँ, तो सब्जी रोटी बना आप लोग खा ली। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा, अब एकदम भयानक वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इतना मतलब मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। हाँ बेटा जी, हाँ बेटा जी, और अभी मेरी गुड़िया रानी कल कहाँ चोट लगा था सुनो, आ जाइए जी गोद में, जी सबसे बात कर। हाँ मम्मी पिंक है, हाँ ठीक, तरबूज देती रहती हाँ माँ, हाँ बेटा मुझे दिखा, दीदी को नहीं दिखा, दोनों को दिखा, नहीं मैं आज दिखूंगी। सो गाइस अभी अब निहान में वैसे नहीं आते बैठो, बैठ क्या हूँ मेरी कोशिश रानी का देखिए काजल कितना फैल गया ना, सुना लिप काटी आप लग गया काजल, हाँ नहीं लगा ऐसे को कर दो, जिस थोड़ा लाइक कर दीजिए मेरी मम्मी का वीडियो का, कर दीजिए लाइक करो, लाइक करो, लाइक देखना और देखना नहीं, अच्छा ठीक है पहले को लाइक करो, लाइक लाइक शेयर उंगली नहीं लेते मम्मी बेटा, गंदी बात, सबको लाइक शेयर, मेरे बच्चा सब्सक्राइब करो मम्मी, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो ऐसे अभी जस्ट मैंने बर्तन साफ कर लिए, गैस भी साफ कर ली, खाना वाना भी सब हो गया है, और तो तब ये लोग को सुलाऊंगी भी, और मेरी गुड़िया रानी पढ़ाई भी कर ली है ना बेटा जी, काका ये नहीं, मैडम नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं मैडम, ये बस लड्डू बनाएंगे और पेड़ा बनाएंगे क्या, हाँ तो भाई चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं जितना देर ऑन रखूंगी ये लोग का बदमाशी खत्म नहीं होगा, और लाइट वेट ऑफ करके आप, तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।